नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। उत्तर प्रदेश के आगरा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया। वर्ग के शुभारंभ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वर्ग स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में युवा मोर्चा द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने स्वागत भाषण के माध्यम से अतिथियों का सत्कार किया। स्वतंत्र देव सिंह ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति को जयश्री प्राप्त है। जनसंघ से लेकर अभी तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्राप्त होता रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से ऊर्जावान कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। ये भाजपा की अनूठी कार्यशैली का ही प्रतिफल है कि पूरे देश में आज भाजपा की गूंज है। ये भाजपा में ही संभव है कि आज यहाँ सामने बैठे कार्यकर्ताओं में से कोई कल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भाजपा है। कार्य पद्धति हमारे संगठन की आत्मा है। युवावस्था से ही पार्टी का निर्णय सिद्धांत समझने का प्रयास करेंगे और निश्चित ही संगठन में उच्च स्थान प्राप्त करेंगे। भाजपा की आत्मा नेता में नहीं, कार्यकर्ता में वास करती है। इसी कारण यहाँ जब संगठन से निकले हुए सरकार पर बैठते हैं, ताज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 8 सालों में देश में आप परिवर्तन देख रहे हैं। राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में राज्य के अंदर परिवर्तन दिख रहे हैं। लोगों की सोच बदली है, स्वच्छता के प्रति सोच बदली है। आज गरीबों का कल्याण हो रहा है। सभी योजनाएं गाँव गरीब किसान को मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास से लेकर शौचालय। वैश्विक महामारी में भी फ्री में अन्न देने का किसी ने काम किया है तो मोदी योगी सरकार ने किया है। और 80 करोड़ देश के अंदर, 15 करोड़ राज्य के अंदर महीने में 2 बार दिया। एक भी भूख से कोई नहीं मरा। राजनीति हम लोग करते हैं, राजनीति मेरा व्यापार नहीं है, राजनीति मेरा मिशन है। हम सत्ता भी बनाने के लिए काम करते हैं तो जनता की सेवा करने के लिए, गरीबों की सेवा के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए। हमारे पास एक ईमानदार नेतृत्व है, तपस्या करने वाला नेतृत्व है, तप करने वाला नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जैसा नेतृत्व। आज देश का भी सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है और गरीब का भी सम्मान बढ़ रहा है। आज गरीब नहीं, बेरोजगारी युवाओं के सामने। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. राजपूत। अयोध्या के कुचेरा बाजार स्थित हजारीलाल इंटर कॉलेज में जुगुन खाद भंडार के नेतृत्व में कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किसान भाइयों को कृषि संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मैट्रिक्स फर्टिलाइजर व केमिकल्स लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक शिव विशाल श्रीवास्तव और क्षेत्रीय प्रबंधक रामेंद्र नाथ उपाध्याय, जयसवाल उर्वरक भंडार के प्रोप्राइटर मुकेश जयसवाल और जयसवाल उर्वरक भंडार के पदाधिकारी व कर्मचारी अजय सिंह तुल यादव और खाद्य व्यापारी भोला शालीग्राम फर्म के स्टाफ और त्रिजुगुन खाद भंडार के प्रोप्राइटर अर्पित पटवा भी मौजूद रहे। वहीं क्षेत्रीय प्रबंधक रामेंद्र नाथ उपाध्याय ने बताया कि मौसम के अनुसार खेती करें, अगर आपकी फसल ज़्यादा लेट हो रही है तो वो आपके उत्पादन पर भी प्रभाव डालेगी, तो अच्छा यही है कि उसी जगह पर कोई दूसरी फसल की खेती करें, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और उर्वरक का प्रयोग अगर फसल लेट है तो इस तरह से ना प्रयोग करें कि असंतुलित हो जाए। फसल जल्दी तैयार करने के चक्कर में उर्वरक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करें। फसल के समय बीज का चुनाव सही करें और मौसम के अनुसार और समय के अनुसार आप लेट हो गए हैं तो लेट वैरायटी उसका इस्तेमाल करें और वो फसलें लगाएं, बीज लगाएं जो आपके मौसम के मुताबिक हो। श्री जुगुन खाद भंडार के प्रोप्राइटर अर्पित पटवा ने बताया कि आज का जो कार्यक्रम था उसका मेन उद्देश्य था कि किसानों को अच्छी फसल किस तरह से तैयार करनी है, जिसमें अच्छी खाद फर्टिलाइज़र जो पड़ती है उनकी मात्रा अच्छी तरह से बताया गया, प्रशिक्षण दिया गया ताकि किसान अच्छी फसल और उत्पाद बढ़े और किसानों को आने वाली फसलों के बारे में जानकारी दी गई। कि मौसम अनुकूल खेती करें, यदि आपकी फसल ज़्यादा लेट हो रही है तो वो आपके उत्पादन पे भी प्रभाव डालेगी, तो अच्छा यह है कि उसके जगह पे कोई दूसरी फसल का उत्पादन आप करें, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा ये कि उर्वरक का प्रयोग अगर फसल लेट हो गई है तो ऐसा न करें कि असंतुलित हो जाए, ज़्यादा जल्दी तैयार करने के चक्कर में संतुलित मात्रा का प्रयोग करें और फसल में के चुनाव के समय बीज का चुनाव सही करें कि मौसम के अनुसार
और समय के अनुसार यदि आप लेट हो गए हैं तो लेट वैरायटी यूज़ करें और वो फसलें लगाएं या वो बीज लगाएं जो आपके मौसम के अनुकूल हो। नाम रामेंद्र उपाध्याय है, मैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ मैट्रिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड में। ये जो है मैट्रिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी है, पश्चिम बंगाल में वर्धमान ज़िले में पानागढ़ में फैक्ट्री है। आत्मनिर्भर भारत की योजना में हमारे देश में हम यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए यूरिया का नया प्लांट जो है सितंबर 2021 में चालू हुआ है और ये दुनिया का सबसे बढ़िया सिंगल स्ट्रीम प्लांट है जो कि रोज़ 2200 टन अमोनिया और 3850 टन यूरिया प्रतिदिन का उत्पादन की क्षमता है। और आज की तारीख में आप ये देखिए कि ज़्यादातर जो यूरिया की कमी थी वो जितने भी ईस्ट के राज्य हैं, आपका बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया और इवन आपका ईस्टर्न यूपी में अधिकतर जो है यूरिया की कमी रहती थी, तो ये प्लांट ऐसी जगह स्थित है जहाँ पे ज़्यादातर जो राज्य थे जिनकी यूरिया की कमी होती थी वहाँ ये प्लांट लगने से किसानों में काफ़ी खुशी है और बहुत अच्छी क्वालिटी का यूरिया हम लोग दे रहे हैं। ये किसानों का इसी कंपनी की तरफ से डॉक्टर फसल यूरिया के नाम से यूरिया आता है, तो डॉक्टर फसल यूरिया कंपनी के नाम से किसान जानते हैं और इसी का हमारा जो एक किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, एक तो किस तरीके से संतुलित खाद का उपयोग किया जाए, दूसरा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है उसके बारे में भी लोगों को जागरूकता प्रदान करना है, दूसरा किसानों का इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या अहम योगदान है उसके बारे में चर्चा करना, एवं जो अंतर्राष्ट्रीय अभी स्थिति है खाद की वो उसके बारे में किसानों का अवगत कराना ही हमारा उद्देश्य है। तो थोड़ा सा बारिश लेट हो गई है, करीब 15 दिन जो है लेट हो गया है, पर चूँकि खेती में हमेशा अनुकूल मौसम हो तभी चीज़ें हो पाती हैं। कई लोगों ने पहले मान लो धान लगा लिया या ट्रांसप्लांटिंग कर लिया तो गर्म मौसम होने की वजह से वो मर गया या तो नर्सरी मर गई या फिर खेत में लगाया वो सूख गया, क्योंकि पानी का तापमान भी ज़्यादा होता है। तो चाहे 15 दिन लेट हुआ है पर इससे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा क्षेत्र जो है कम हो सकता है, रकबा कम हो सकता है, पर आप ये देखेंगे कि अंत में जो है उत्पादन में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन या बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। मेरा नाम प्रसन्न कुमार शर्मा है, मैं पूरे स्टेट यूपी राज्य का जो है इस कंपनी का जो है मैनेजर हूँ और करीब हम लोगों ने यहाँ पे लगभग अभी यूपी के करीब 44-45 ज़िलों में जिसमें ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों के लिए हम लोग बहुत सारे नए उत्पाद लेके आ रहे हैं जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है, आपका सल्फर है और मेन मोटिव ये है कि किसानों को अच्छी फसल कैसे तैयार करनी है उसके बारे में, अच्छी न्यूट्रिएंट जो भी खाद वगैरह फर्टिलाइजर पड़ते हैं उनके उनकी मात्रा को अच्छी तरीके से बताने का उद्देश्य है, इससे कि उनकी फसल काफी अच्छी। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 9वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बलरामपुर द्वारा राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा प्राथमिक विद्यालय भीखपुर जनपद बलरामपुर में बलरामपुर सदर विधायक माननीय पट्टूराम, स्कूल प्रधानाचार्य तथा समाजसेवी भगवान दत्त पांडे की उपस्थिति में 2000 तिरंगे झंडे वितरित किए गए तथा ज़्यादा से ज़्यादा तिरंगे झंडे फहराने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान उपेंद्र रावत कमांडेंट 9वीं वाहिनी शास्त्र सीमा बल उपस्थित रहे।
जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाएं, संपर्क करें 9918781000। अयोध्या प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में स्वर्गीय श्री शोभा राम यादव जी के 13वीं संस्कार पर जाते समय रोहानी टोल प्लाजा पर हमारे साथ फैजाबाद के मंडल अध्यक्ष कृष्णपाल वर्मा, जिला अध्यक्ष अरविंद यादव, जिला उपाध्यक्ष अनु पांडे, नकुल महानगर अध्यक्ष अजय यादव, राम प्रताप गुप्ता, दानिश खान, जगतपाल सिंह, समीर अहमद, राजमणि यादव, श्रीनाथ वर्मा, मंगरू राम प्रजापति, बैग मोहम्मद, इंद्रजीत सत्रोहन यादव, जगदम्बा वर्मा, श्रीनाथ वर्मा, राजू निषाद, राकेश कुमार, शमीर अहमद, प्रदीप कुमार, लालमती, तमाम किसान साथी, पत्रकार साथी, टोल प्लाजा पर मिले किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत का दामन छोड़ सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक में शामिल हुए और संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई। और फरीद अहमद को प्रदेश सचिव, गणेश मौर्य को मंडल उपाध्यक्ष, राम अवध किसान को जिला उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा और कहा फैजाबाद में एक बड़ी पंचायत लगाने का भी निर्णय तय किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में ट्रैक्टर शामिल होंगे। सर, कोई किसानों के नाम कोई संदेश भी है? किसानों के नाम संदेश यही है कि महात्मा टिकैत ने जिस संगठन को बनाया था वो किसान हितों के लिए बनाया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनकी मृत्यु के पश्चात इस संगठन का परिवारवाद कर दिया गया और निजीकरण कर दिया गया। फैसले एक जगह से होते थे, एक होल्डिंग अगर बनती थी तो एक परिवार के चार चार फोटो लगते थे, तो किसान यूनियन और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं रह गया था, सपा और कांग्रेस और किसान यूनियन में कोई अंतर नहीं रह गया था। उस बदलाव को भारतीय किसान यूनियन ने ये किया है, जैसे आज यहाँ थे, पहले जब अयोध्या को कोई आता था किसान यूनियन का नेता तो ये जनता इंतजार करती थी, आज हम यहाँ एक घंटे से जनता का इंतजार कर रहे हैं। हमारे संगठन का और अयोध्या की जनता को यही संदेश है कि जब भी इनकी कोई दिक्कत, परेशानी, सुख दुख कुछ भी हो सकता है इनके शादी ब्याह में हम न पहुँचे, लेकिन भगवान न करे अयोध्या के लोगों को कोई कष्ट हो, हम इनके दुख में, उनकी मुसीबत में सबसे पहली पंक्ति में भारतीय किसान अराजनीतिक खड़ी दिखाई। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष हरनाम वर्मा जिंदाबाद। हम तो हमेशा समाज के लिए अच्छा ही काम किए, 20 साल से ज़्यादा हो गया हम संगठन में हमको रहते हुए, तो हमेशा हम गरीब दुखियों के लिए हमेशा उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ते रहे, उनके हर सुख दुख में हमेशा हम लोग खड़े होते हैं और हमेशा समाज की एक भलाई के लिए ही आंदोलन किया करते हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जी हमारे अयोध्या के धरती पर आए, हमारे शोभा राम दादा जो किसान यूनियन के बहुत ही पुराने महान कार्यकर्ता थे, उनके 13वें संस्कार में शामिल हुए और हम लोग उनका टोल प्लाजा पर स्वागत भी किया और हमारे टिकैत गुट के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता, सैकड़ों लोगों ने टिकैत गुट को छोड़कर आज हमारे इस अराजनैतिक संगठन में शामिल हुए हैं। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप।
यूपी के बुलंदशहर में बजरंग दल के जिलाध्यक्ष आदेश चौहान को पुलिस ने पीटा। इंस्टाग्राम पर एक हिंदू युवती का मुस्लिम युवक द्वारा वीडियो पोस्ट करने पर कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ता थाने के बाहर कर रहे थे हंगामा। बजरंग दल के जिलाध्यक्ष सहित चार कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने पर गुलावटी थाने पर 2 घंटे से जारी है हंगामा। प्रदर्शनकारी गुलावटी की कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अखिलेश त्रिपाठी, उप निरीक्षक अवयेंद्र कुमार, कांस्टेबल अमन चौहान, योगेंद्र बिगुड़ी, प्रयास सिसोदिया सहित 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग को लेकर हंगामा। सीओ सिकंदराबाद की मान मनोवर के बाद भी नहीं रुक रहा प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए 4 बजरंग दल आदेश चौहान, विशाल, मोंटी व राहुल को पुलिस ने छोड़ा। भाजपा के सिकंदराबाद के विधायक लक्ष्मी राज सिंह गुलावटी कोतवाली पहुंचे। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष जी बुलंदशहर की गुलावटी कोतवाली पहुंचने वाले हैं। गुलावटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक द्वारा थाने में बजरंग दल के जिलाध्यक्ष को चांटा मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। आदेश जी, क्या नाम है, किस पद पर सेवारत और क्या मामला है? आदेश चौहान है और मैं बजरंग दल का जिला संयोजक हूँ। बुलंदशहर जिले के गुलावटी नगर कस्बे में मैं रहता हूँ। आज क्या मामला हुआ, क्यों थाने पे हंगामा हो रहा है? अभी कुछ विगत दिनों एक मुस्लिम लड़के ने, साहिल नाम के लड़के ने, एक हिंदू लड़की की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर वायरल कर दी, जिसके लाखों लोगों ने उसे देखा। जब उसके संबंध में कल परिवारजन व संगठन के अन्य पदाधिकारी कल जब प्रार्थना पत्र लेकर थाने पर गए तो पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस लड़के के घर पर गई और वहाँ पर उसे छोड़कर ही आ गई, जिसके संबंध में आज मौके पर जब लड़का पकड़ा गया तो एक दो लड़कों ने उसके साथ में बदतमीजी हुआ, झगड़ा हुआ। जब उसको लड़के को मेरे द्वारा थाने पर लाया गया उसको बचाने के संबंध में, तो कोतवाल साहब ने मेरे साथ ही बदतमीजी शुरू कर दी। गुलावटी थाना प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी जी ने मुझे कहा कि तू कोतवाल बन जा और तू ही सारा काम कर ले, और ऐसा कहते हुए जब मुझसे नोकझोंक की तो मुझे बीच में से फाड़ने की धमकी दी। जब इस बात को लेकर हमारे कार्यकर्ता आक्रोशित हुए तो इंस्पेक्टर साहब ने मुझे, मेरे अन्य 4 कार्यकर्ताओं को खदेड़ते हुए पीटा, मुझे हवालात में बंद किया, मुझे वहाँ पीटा। अंदर में ऑफिस में ले जाने के बाद में एक योगेंद्र विधोड़ी व संकुल नाम के 2 सिपाहियों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरे साथ मारपीट की, मेरे अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। उसके अतिरिक्त भी इंस्पेक्टर साहब के साथ में एक बैंसला नाम के व एक प्रयास सिसोदिया नाम के व एक अन्य दरोगा यहाँ पर उपस्थित हैं। उन 5 लोगों ने भी मेरे साथ भरपूर मारपीट की, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, खून भी मेरे निकले थे, वो मेरे कपड़ों पर समय पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भी मुझे धमकी दी गई कि यदि तूने बाहर जाकर फैसला नहीं किया, हमारे पक्ष में नहीं बोला, तो तुझे मुकदमा लगाकर तुझे जेल भेज देंगे, तुझे जेल में सड़ता रहेगा और तू बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसी धमकी देकर मुझे यहाँ लाया गया। क्या मांग है अब आपकी? मेरी मांग है उक्त मामले में जो भी आरोपित पुलिस वाले हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, जो आरोपी पकड़ा गया है उसको जेल भेजा जाए और हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक रूप से हमारी वापसी हो। अच्छा, पुलिस ने कोई आश्वासन दिया है, कोई सीसीटीवी फुटेज का भी कोई मामला है? आश्वासन नहीं दिया है इंस्पेक्टर साहब की मेरे और मेरे अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हुए की वीडियो समय पर वायरल है, वह देखी भी जा सकती है, लेकिन पुलिस के सभी अधिकारी इस मामले को दबाने में और योगी सरकार की चमक को। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। लखीमपुर खीरी के मिशौली कस्बा फीडर से गांव हैदर नगर में 2-3 खंबे विकलांग की तरह सहारे से 11,000 लाइन की सप्लाई गांव में पहुंचती है और ये खंबे पहले से टूटे हुए हैं। जो खंबे स्टे के सहारे 11,000 की लाइन के तार पूरे गांव में फैले हैं। आपको बताते चलें, ग्रामीणों का कहना है इस संबंध में 1912 पर भी टोल फ्री नंबर पर भी बिजली विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या जस से तस बनी हुई है। बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा अगर कोई भी खंबा का सही समय पर बदलाव नहीं किया गया तो कभी भी बिजली के तार गिरने से खतरा हो सकता है, क्योंकि इस समय बारिश का समय चल रहा है, ऐसे में काफ़ी खतरा बना हुआ है। अगर जल्दी खंबे का बदलाव नहीं किया गया तो कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। जितेंद्र चौधरी, क्या समस्या है आपके गाँव की? समस्या ये है, हमारे गाँव में
हमारा गांव कस्ता फीडर से जुड़ा हुआ है जी। और हमारे गांव में 11,000 लाइन निकली हुई है बीच गांव से, जबकि एक पोल क्रैक टूटा हुआ है लग रहा है बीच गांव में, और उस पोल से कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो क्या मांग करते हैं? हम मांग यही करते हैं कि हमारा ये पोल दोबारा लगा दिया जाए, दूसरा पोल लगा दिया जाए, ये टूटा वाला हटा दिया जाए। ऐसे कितने पोलों की समस्या है? ऐसे 3 पोलों की समस्या है। इस संबंध में आपने किसको अवगत कराया? हमने 1912 पे कॉल किया है, और 1912 पे कॉल करके उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी जल्दी समस्या हो जाएगी, लेकिन 1 महीना हो चुका है, अभी तक कोई भी निष्कारण नहीं हुआ है हमारा, और हम लोग बहुत बड़े हादसे में पड़े हुए हैं, बहुत बड़े अचंभे में पड़े हुए हैं कि कब क्या टल सकती है। नाम? भारत प्रसाद। क्या समस्या है? समस्या ये 11,000 लाइन गांव से निकली हुई है, और फिर हमारे घर के हैदरनगर गांव है, हमारे घर के पास से निकली हुई, वहाँ मेरी दुकान पे है, और वहाँ खंभा टूटा हुआ इस पे रुका हुआ है जी। बस ये खंभा हमको बदलना चाहिए। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781100। राजस्थान के दोसा लाल सौट में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के उपलक्ष में भारत विकास परिषद शाखा लाल सौट द्वारा पाबड़ी वाले कुंज बिहारी जी मंदिर डवाना प्रांगण में 75 पौधे रोपित किए गए। परिषद द्वारा अशोक, बिल्वपत्र, हरशिंगार, कंदप, पीपल, बरगद, गूलर, कल्पवृक्ष, हेजड़ा, गुड़हल इत्यादि विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर सत्यनारायण चोपड़ा, धर्मेंद्र चोपड़ा एवं उनके समस्त परिवारजनों ने इन पौधों को पानी देने एवं इनकी देखभाल का संकल्प लिया। पौधारोपण कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के प्रांतीय चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर भरत शर्मा, आखा लालसौट के अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, सचिव एडवोकेट अशोक चौधरी, कोसा अध्यक्ष लोकेंद्र जैन, अंजना त्यागी, मैनपाल त्यागी, डॉक्टर अनुराग देमन, चंद्रपाल कुशवाहा, डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, अनुराग प्रिय शर्मा, विकास माठा, कृष्ण गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा इंद्रलोक से ला करके हुआ था ये आपकी देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर।